हमारे शब्द बड़े ताकतवर होते हैं। हमारे बोले हुए शब्द लोगों के दिल पर राज करवा सकता है, और वहीं दूसरी ओर हमारे शब्द हमें किसी से नजरों से गिरा भी सकते हैं। हमारे बोले हुए शब्द किसी का दुख का कारण भी बन सकते हैं और किसी के दुख दूर भी कर सकते हैं। इसीलिए शब्दों को हमेशा सोच समझ कर बोलना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपको मैं ऐसी 5 टिप्स दूंगी जिससे अगर आप फॉलो करते हो तो आप लोगों को इम्प्रेस कर पाओगे। आप लोगों से कोई भी काम निकलवाना चाहते हैं तो वो भी निकलवा सकते हैं। आप अपनी बात सुनने के लिए लोगों को मजबूर कर सकते हैं और कोई भी लोग आपको इग्नोर नहीं कर पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। टिप नंबर 1, जब भी आप कोई व्यक्ति से बात करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप उनकी बात सुनिए। जब आप उनकी बात सुनते हो तो आपको पता चलता है कि वो व्यक्ति कैसा है, वो क्या चाहता है, वो व्यक्ति आपकी बात सुनने के मूड में है या नहीं है। सारी बातें आपको पता चल जाती है। फिर अगर आप अपनी बात बताते हो तो आपको बात करने में भी आसानी रहती है और सामने वाले व्यक्ति भी आपकी बात गौर से सुनते हैं, आपकी बात सुनने के लिए इंटरेस्ट लेते हैं क्योंकि आपने उसकी बात सुनी थी। इस तरह से अगर आप लोगों की बात सुनना पसंद करोगे तभी आपकी बात लोग सुनेंगे। और भगवान ने हमें 2 कान और 1 मुंह इसीलिए दिया है कि हम ज्यादा से ज्यादा सुने और उसका आधा ही बोले। टिप नंबर 2, तारीफ। आजकल तारीफ सबको पसंद आती है, किसी को पसंद नहीं होती ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए आप लोगों की तारीफ करना कभी भी मत भूलिए, लेकिन तारीफ ही बड़ा चढ़ाकर नहीं करनी है। आप इसे बड़ा चढ़ाकर तारीफ करोगे तो सामने वाले व्यक्ति को पता चल जाएगा कि आप तो फेंक रहे हैं। तारीफ भी सच्ची होनी चाहिए और तारीफ करने का भी एक तरीका होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई लड़की की ड्रेस की तारीफ करना चाहते हैं तो आप उसे ये कहते हो कि आपकी ड्रेस अच्छी है। इसकी बजाय अगर आप उसे ऐसे कहते हो कि ये ड्रेस आप पर बहुत अच्छी लग रही है, तो उस लड़की को कौन सी बात ज्यादा इम्प्रेस करेगी, कौन सी बात उसको ज्यादा पसंद आएगी? ऑफ कोर्स दूसरी वाली। तो अगर आप व्यक्ति को बात में शामिल करते हो, उसकी पर्सनल नाम लेके अगर आपको इन्वॉल्व करके बात करते हो तो व्यक्ति को ज्यादा पसंद आता है और व्यक्ति इम्प्रेस होता है। तो इस तरह से अगर आप कोई व्यक्ति की तारीफ करते हैं तो हो सकता है कि वो व्यक्ति भी आपकी बात सुने और आपसे वो व्यक्ति इम्प्रेस हो जाए। नंबर 3, आप अपनी वॉइस पे भी ध्यान दें। आपका वॉइस इतना लाउड नहीं होना चाहिए कि लोग आपकी आवाज़ सुनकर बोर हो जाए और आपकी बात सुनने के लिए रेडी ना हो। और आपकी आवाज़ इतनी नीची भी नहीं होनी चाहिए कि लोगों को कुछ समझ में ही ना आए। इसीलिए आपकी आवाज़ को मेंटेन रख के बात करनी चाहिए और आपकी बात बड़ी लंबी चौड़ी भी नहीं होनी चाहिए। कम से कम शब्दों में अपनी बात बताने की कोशिश करिए ताकि लोग आपकी बातों से बोर ना हो और लोगों को आपकी बातों में इंटरेस्ट बना रहे। टिप नंबर 4, अपनी बातों में इमोशन लाइए। कभी कभी क्या होता है, आपकी बात करने का टोन चेंज हो जाता है तो सामने वाले व्यक्ति को बात का मीनिंग गलत समझ में आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी को कहना चाहते हैं कि मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा और आप अगर इसे इस तरह कहते हो कि मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तो दोनों बात एक ही है लेकिन दोनों का मीनिंग अलग निकलता है। तो इस तरह से अगर आपका बात का टोन चेंज हो जाता है तो भी सामने वाले व्यक्ति आपका बात का गलत मतलब निकालते हैं। इसीलिए अगर बातों में आप अगर इमोशन लाते हो तो सामने वाली व्यक्ति आपसे ज़्यादा इम्प्रेस होती है और आपके साथ बात करना उसे ज़्यादा पसंद आता है। तो इस तरह से अगर आप चालाकी से बात करते हो तो लोगों को ज़्यादा पसंद आता है। टिप नंबर 5, थैंक यू को उसके रीजन के साथ बोलिए। आजकल थैंक यू लोग दिन में इतनी बार सुनते हैं कि सिर्फ थैंक यू सुनने से उसे कोई फीलिंग नहीं आती। अगर आप थैंक यू को उसके रीजन के साथ बोलते हो तो लोग ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं, उसको अच्छा लगता है। जैसे कि आप थैंक यू फॉर गिविंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर कमिंग, इस तरह से जिसके लिए आप उसे थैंक यू कहना चाहते हैं वो भी साथ में बोलते हो तो लोगों को ज़्यादा पसंद आता है। सो फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।